मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मैं यहाँ टेली आई, आप सब लोगों ने मेरा यहाँ स्वागत किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि मेरे को इसी तरह प्यार और सम्मान आप लोगों का मिलता है। हाँ बबीता जी, आज आप दिल्ली में हैं और आपका जोरदार यहाँ जो है आपके समर्थकों ने स्वागत किया है, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और ये शायद नेशनल स्तर पर इस एरिया की मैं शायद पहली लड़की हूँ जो इस लेवल पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं दिल्ली में 2011 में गई थी आईएएस की तैयारी करने के लिए, फिर उसके बाद जब 2020 में मेरा लास्ट अटेम्प्ट था आईएएस में, तो इस गवर्नमेंट ने कोविड सिम्टम्स होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया था। तब हमने मुखर्जी नगर में आंदोलन स्टार्ट किया था और हमने 4-5 केस भी इसमें सुप्रीम कोर्ट में डाले थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट से कहा कि आप यूनियन स्टैंड लो बच्चों के लिए, इनकी बात सुनो, और गवर्नमेंट ने कोर्ट में हाँ भी किया था। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें भी कहा गया कि हम इनको 2 अटैम्प्ट देंगे, लेकिन बहुत सारे जो एसेंशियल सर्विसेज में काम कर रहे थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे या वो स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने माता पिता नियर डियर को खोया था, किसी को भी इन्होंने मतलब एक लास्ट मौका एक नहीं दिया, और वो बहुत सारे बच्चों का जो 20 और 21 में 2-2 साल बर्बाद हो गए। और इसी दौरान मेरी लॉ चल रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जिसमें मैं स्टूडेंट जो एक्टिविज्म है उसमें काफ़ी एक्टिव थी, और इस आंदोलन के दौरान फिर मेरा मतलब रुख हुआ कि अब मेरे को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, तो फिर मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और कांग्रेस पार्टी ने मेरे को सम्मानित करते हुए ये नेशनल लेवल कोऑर्डिनेटर हैं कांग्रेस से। पूरे देश भर में आप घूमते हैं, क्या इस बार किस तरह के रिजल्ट आने की उम्मीद आपको है? देखिए अभी 3 स्टेट में इलेक्शन है, MP में, छत्तीसगढ़ में और इसमें राजस्थान में, तीनों में कांग्रेस 100% बहुमत के साथ आ रही है। और बात यह है कि मतलब ये नहीं है कि मैं इस पार्टी से हूँ तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये आ रही है, इस देश के लिए भी कांग्रेस का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 2014 के बाद आप देखोगे कि यूथ ने बड़े लेवल पर बीजेपी को सपोर्ट किया था, सभी ने, एक लहर थी बीजेपी की, लेकिन 2014 के बाद धीरे धीरे 19 में इन्होंने जो किया है, पुलवामा इन्होंने 2019 में करवाया सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, इन्होंने अग्निपथ जैसी योजना लाकर देश का जो भविष्य है वही खतरे में डाल दिया। अगर 4 साल के लिए जिसको नौकरी मिलेगी और वो बच्चे जो 22-23 की उम्र के जो भर्ती होते हैं और 4 साल बाद जब वो वापस घर आएंगे, तो आपको लगता है कि जब वो रिटायर्ड जो सिविल रिटायर्ड जो सैनिक आता है वो तो फिर भी जॉब कर लेता है कहीं पर गार्ड की, क्या ये बच्चे कर पाएंगे? क्या इनका स्वाभिमान इनको गवाही देगा? देश भर में कांग्रेस की लहर एक बार फिर से चल पड़ी है। हाँ, देश भर में कांग्रेस की लहर चल गई है, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसियां बनाई हैं जो देश को खोखला कर रही हैं, बाहर से भी भीतर से भी। रही बात हम उसकी करें रिजर्वेशन की, हम सब लोग ना इस मतलब जो हीरवाटी स्टार्ट होती है वो ओबीसी है, मेनली ज़्यादातर ओबीसी है। जब रिजर्वेशन जब स्टार्ट हुआ था 92 में, तो पहली बात तो जब संविधान लागू हुआ उसके जस्ट बाद रिजर्वेशन स्टार्ट नहीं हुआ, उसी टाइम होना था, 92 में रिजर्वेशन स्टार्ट होता है। उसके बावजूद भी इस गवर्नमेंट ने पूरे रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया है। आप देखोगे कि सेक्रेटरी और कैबिनेट लेवल पर हमारा ओबीसी का एक भी कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है, एक भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं है और सेक्रेटरी नहीं है। आप इसमें लेटरल एंट्री की बात करोगे, इस गवर्नमेंट ने जो 17 साल बाद डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर बनते हैं वो इन्होंने एक आईएएस का एग्जाम देके फिर 17 साल जॉब करनी पड़ती है तब वो बनते हैं। इन्होंने डायरेक्ट लेटरल एंट्री लेके आए और उसमें डायरेक्ट एंट्री दे रहे हैं अपने लोगों को, उसमें कुछ लोग जो 31 लोग चुने गए थे वो पर्टिकुलर जनरल कास्ट के थे, उस ओबीसी का एक भी प्रतिनिधित्व नहीं। आप ये कह रहे हैं ओबीसी के साथ जो है, हाँ, भाजपा जो है भेदभाव कर रही है, भाजपा भेदभाव कर रही है ओबीसी के साथ, बड़े लेवल ओबीसी को खत्म कर दिया, उसका प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया। आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि बैकवर्डनेस, हमारे दिमाग में एक चीज भर दी गई है कि बैकवर्ड है वो आरक्षण चाहिए, जब बैकवर्ड को ही आरक्षण चाहिए तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण क्यों लगाया आपने? आरक्षण का मतलब है रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था जब कुछ ही लोग पढ़े लिखे थे, बाकी लोग अपनी खेती करते थे, कोई कुछ करता था, अब सिस्टम में जाने के लिए तो सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अंत में हमारे दर्शकों का क्या कुछ कह रहे हैं? दर्शकों के लिए यही है कि जो जो रियल जो व्हाट्सएप की दुनिया है उससे बाहर निकलो और रियल में अपनी जो बुक्स हैं उनसे सीखो, अपने जो आपको समाज से जो ज्ञान मिला उससे सीखो, मोबाइल से बाहर निकलो और देश के लिए यूथ भी अपनी जिम्मेवारी निभाए और पॉलिटिक्स में जब वो वोट करे तो एक रेस्पॉन्सिबल तरीके से करे, ना कि ब्लाइंड फॉलोअर बनके।
देश के लिए सही है, आपके लिए बेरोजगारी को दूर करे, आप महंगाई को दूर करे, आपके लिए नए रोजगार के सृजन करे, अच्छी शिक्षा को अवेलेबल करवाए, उस पार्टी को आप वोट दें। बबीता भारती आप लोगों के बीच। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरी बुआ जी की लड़की है, मेरी गांव से। तो मेरी सिस्टर ने जो है दिल्ली से सांसद का चुनाव लड़ने का विचार बढ़ाया कांग्रेस पार्टी से। तो मेरे परिवार से अगर कोई ऐसी रिश्तेदारी में से ऐसे कोई आगे बढ़ रहा है तो मुझे खुशी होती है। और ये जब भी दिल्ली में चुनाव लड़ेंगी मैं इनके प्रचार में भी जाऊँगा और बहन के साथ मैं खड़ा हूँ। इसके अलावा इनको जो कांग्रेस पार्टी ने जो पद दिया है नेशनल कोऑर्डिनेटर का, वो भी काबिल तारीफ है। और अटेली आगमन पर मैं बहन जी का धन्यवाद करता हूँ कि बहन जी आई। और राजकुमार भाई ने बहन जी का जोरदार स्वागत किया, ये भी धन्यवाद के पात्र है। ठीक।